हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म है, प्रचार प्रसार का दौर जारी है, प्रत्याशी महिलाएं बच्चे सब बढ़ चढ़कर इस जो उत्सव में भागीदारी ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये जेजेपी और बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी रमेश गोयल के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, डोर टू डोर जा रही है, लोगों से वोटों की अपील कर रही हैं। यहाँ पर एक घर पर ये इतनी तपती धूप में एक घर पर ये वोट मांगने आई थी, अपील करने आई थी, यहाँ पर इनकी खातेदारी हुई है। आइए इनसे जान लेते हैं। पहले बात तो इन घर की मालकिन से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी खातेदारी करने की वजह और रमेश गोयल के लिए उनका प्यार। हमने साथ में मीटिंग की यहाँ बैठ के और जैसे भी हमने प्रचार करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैंने छोटी सी पार्टी कर ली यहाँ पे और महिलाएं हैं जो इतनी गर्मी में भी प्रचार प्रसार कर रही है कि जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बात करेंगे यहाँ से मंजू गोयल से। बताइए क्या कुछ अभी आपने मीटिंग किया, क्या कुछ रणनीति बनाई है आपने? देखो हमने मीटिंग, इसने हमारा डोर टू डोर कर रहे थे तो हमने, इसने बोला कि अब मैं प्रोग्राम करना चाहती हूँ। इस बार ने हम प्रचार के लिए आगे से बात कर सकते हैं, अभी हम कितना प्रचार कर सकते हैं क्योंकि हम ग्रुप बना सकते हैं कहीं कहीं जाने का और प्रचार के लिए जितना ज़्यादा हो सके उसके लिए हम, उसके लिए मीटिंग रखी है। और नाश्ते में पूछ रहे हैं आप क्या क्या था, जो सब लेडीज को पसंद था, पता है आपको गोलगप्पे पसंद है, समोसे, ये सब नाश्ते में सब। बताइए रणनीति बनाई है, क्या कुछ रणनीति बनाई है आपने, प्लानिंग की है, क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? हम घर घर गए और औरतों से पूछा तो औरतों ने कहा हमारे नगर पालिका का प्रधान ऐसा हो कि आने वाले टाइम में जो हमारी समस्याएं रहेंगी उनको हल करें। तो गोयल साहब जैसे कहीं पहले भी बहुत काम आया लोगों के, तो उन्होंने कहा भी हम वोट इन्हीं को देंगे, हमारा प्रधान यही बनना चाहिए। बात करें यहाँ पर जैसे कि शाम 5 बज चुके हैं अब, ठीक है, अब आप निकलेंगी घर घर जाकर वोटों की अपील करेंगी, तो वक्त निकाल लिया है सबने, रोज़ इसी वक्त जुटती हैं, क्या कुछ रहता है आपका प्लान सुबह से लेकर शाम तक, आपसे जानना चाहूँगी। प्लान यही है कि हम सुबह निकलना और जाना आना, इधर उस तरह भी लोगों से बात करना, अपील करना, भाई यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, भी जाकर ही वो हो सकता है ना कैसे, तो फिर एक एक घर जाना इधर उधर इस तरह। घर वाले को कुछ नहीं कहते कि हाँ अभी बाहर जा रहे हो एक महिला होने के नाते? वो तो बहुत खुश है कि ये काम इतना अच्छा है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, भी हमारे पॉइंट यही है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे तो हमें उनके लिए आगे होना चाहिए, हमें जब में जाना चाहिए। बच्चे भी यहाँ पर, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा कुछ, क्योंकि ये वो बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे भी रमेश गोयल के प्रचार के लिए डोर टू डोर जाते हैं, उनसे बात करेंगे। डरने की बात नहीं है, बस बताइए कि आप डोर टू डोर जाते हैं, बात मिलते हैं लोगों से, पहले बताइए रमेश गोयल अंकल कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। क्या बनना है बड़े होके? IPS ऑफिसर। अच्छा जी, रमेश गोयल को जानते हो? क्या है वो, किस चीज़ के चुनाव लड़ रहे हैं? चेयरमैन। आपके जितने भी पानी बिजली कोई भी जो आ रहा है ना, वो सारी की समस्या है, कुछ और समाधान आपके चेयरमैन करते हैं, बता दें हम आपको, और भी कुछ भी छोटी छोटी समस्याएं होती ना वो आपके चेयरमैन हल करते हैं। और अगर आपको लगता है कि चेयरमैन बन जाएगा रमेश गोयल, क्या वो आपकी हर चीज़ उपलब्ध करवा पाएंगे? यकीन है? चलो देखते हैं। तो यहाँ बच्चे भी, काफ़ी जोश है बच्चों में भी, क्योंकि वो भी यहाँ पर माइक पे नहीं बोल पा रहे, लेकिन बेशक यहाँ नहीं बोल पा रहे लेकिन डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और पूरा समर्थन वो रमेश गोयल को यहाँ पर देते हैं। महिलाओं में भी है जोश की कोई कमी नहीं है, इन्होंने बातें अपनी रखी, बाकी ये बातें काफ़ी काबिल तारीफ। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आप लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, लोग आपके सामने मसले रख रहे होंगे कि हमारे इस मोहल्ले की ये मसले हैं, तो क्या कुछ मसले आपके सामने आ रहे हैं? देखो अभी तक हम जितने भी घरों में जा चुके हैं वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आई है वो राशन कार्ड की है, कि राशन कार्ड अभी भी लोगों के तैयार नहीं हुए, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक ही हम किसी गली में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जैसे कि पानी खड़े होने की भी समस्या है गलियों में, जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं भी जिनका निवारण करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि रमेश गोयल जी को वोट दें ताकि इन समस्याओं का अच्छे से निवारण किया जा सके। बात करें रमेश गोयल, आने वाले वक्त में आप कितने लगता है आपको कि ये इन मुसीबतों का हल कर पाएंगे? मुझे तो वही लगता है वही हल कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी मुसीबतों को सुना है, जितना वो कर सकते थे उन्होंने करा था, परंतु अगर अब वो पावर उनको मिल जाती है तो आई थिंक कि वो बहुत ही अच्छे से संभालेंगे। आपके कहने का मतलब है पहले भी वो जब पावर नहीं थी तब भी इतना करते थे और अब जब पावर आ जाएगी तो इससे ज़्यादा और काम करेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पावर मिलने के बाद तो फिर वो खुल के करेंगे ना, एक सपोर्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट की ओर से भी और हमारे टोहाना वासियों की भी सपोर्ट मिल जाएगी।
जाएगी कोई। धन्यवाद बात करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं थे, उन्होंने भी बात हमारे सामने रखी और इनमें जोश और जुनून बहुत है क्योंकि दिन रात ये मेहनत कर रही है ताकि रमेश गोयल चेयरमैन के जो पद है उसको हासिल कर सके। कैमरा पर्सन पवन वर्मा के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।